नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस आम झाम काम के लिए आज एक नया तरीके से एक नया पैनल बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सब मीटर लगा हुआ है, ऑलरेडी काम किया हुआ है। ये एक मेंटेनेंस काम है, ये किस तरह से किया जाता है आपको आज दिखाने वाले हैं। देखिए ये देखिए एमसीबी लगा हुआ है, सिंगल फेज का मीटर लगा हुआ है और थ्री फेज मीटर लगा हुआ है। इसको बिना लाइन काट के कैसे किया जाता है ये दिखाते हैं और फ्रेश काम कैसे किया जाता है ये भी दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और लाइक तो करना है दोस्तों, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए दिखाते हैं किस तरह से बनना। इसको पहले हम बोर्ड को फिट करते हैं, उसके बाद आपको एक एक सिस्टम को कैसे खोल के लगाया जाता है इसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, थ्री फ्यूज को भी कनेक्शन दिखाने वाले हैं, चेंज वायर का भी कनेक्शन दिखाने वाले हैं, फ्यूज का भी कनेक्शन। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये 8 इंची 1/2 इंची साइज का ये बोल्ट है, इसमें हम दीवार में फिट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने गड्ढा करवा दिए। ठीक है, देखिए इस जगह हम 8 इंची है, इसमें लंबाई आपको 8 × 3 = 5 मतलब 3 इंची अंदर जाएगा, 5 इंची बाहर आएगा। इसमें सीमेंट मोटा गिटी से जाम कर लेना होगा। ठीक है, उसका बाद आप बोर्ड को लगाना है। ठीक है, बोर्ड लगा के आपको दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको जाम कर लेते हैं पहले, उसके बाद दिखाते हैं। ऑलरेडी आप जाम कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऑलरेडी बोल्ट को जाम कर दिया मैंने। ठीक है, 5 इंची बाहर है, इसके बाद इसको कल हम लगाएंगे। आज हम जाम कर दिए, उसके बाद कल बोर्ड को लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से जाम करना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये सब हमको कितना मीटर है, ये फ्यूज है, इसमें एमसीबी लगेगा, फ्यूज का पुराना मॉडल था ना, अब नया मॉडल में काम करना है तो सिंगल फेस का मीटर है, इस भी लगा जाएगा, आप किस तरह से लगाया जाएगा अब दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, ये प्लाई बोर्ड को पेंट किया जा रहा, इस बोर्ड को पेंट करने के बाद हम पैनल बॉक्स में पैनल बोर्ड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा तरीके से पेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये बोल्ट मेरा फिट हो गया, जाम हो गया। ठीक है, पानी वानी डाल दिए हैं, ये टाइट हो जाए, हिलेगा नहीं। और देखिए 6 को हम डाल दिए, 1 ठो 2 ठो, ये जो कलर देके बोर्ड में साहुल करना है, बोर्ड को छेदा करने के लिए। ठीक है, बोर्ड को लगा लीजिएगा, दिखा देंगे, और 6 को डाल दिए। देखिए देखिए 1 3 4 4 को और इधर। ठीक है, ये देखिए 2 ठो 1 ठो। ठीक है, इसको किस तरह से आप आम झाम को सीधा तरीके से काम कीजिएगा ये आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, बोर्ड को कैसे साउल करना है, इसको सीधा है कि टेढ़ा है। तो देखिए, मान लीजिए ये बोल्ट नहीं है, मेरा नीचे में बोल्ट है, उस जगह कैमरा पकड़ने में दिक्कत आएगा, इसीलिए आपको समझा रहे हैं। ये मान लीजिए, देखिए चीहा देख रहे हैं, ये गो बोल्ट है और ये गो ये बोल्ट है। ठीक है, देखा है ना, और ये 4 ठो बोल्ट है, इसको ऊपर बोर्ड आपको बैठाना है, उसका बाद छेदा का निशान लेना है। ठीक है, देखिए बोर्ड को हम चढ़ा रहे हैं, इस तरह बोर्ड के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, ये देखिए पकड़ के रखे हैं। ठीक है, पकड़ के लेके एक वजनदार कुछ सामान से साहुल बनाना है, बस साहुल खरीद के लाइएगा, उसका बाद इस साहुल करना है। ठीक है, देखिए साहुल हो रहा ना, ये देखिए ये साहुल है मेरा, एक फसनार नाट से बनाए हैं साउल, ये देखिए टेढ़ा है। ठीक है, ये देखिए टेढ़ा है कि नहीं, तो इसको नीचे से उठाना होगा, इसको ये देखिए उठा उठ गया, ये देखिए अब बराबर में आ गया। अब इसको बाद इस जगह बोल्ट जहाँ है, बोल्ट इस जगह है, तो इसको ठोक देना है हथौड़ी से, प्लस से,
और इस जगह तो और वह कलर दे सकते हैं बोल्ट के ऊपर, ठीक है। उसका बाद आप इसको उतार लेना है। उसका बाद ये जो 5 सूटा ड्रिल है मेरा, ये 5 सूटा बीट है, ये बीट से आपको छेदा कर देना है, ठीक है। उसका बाद बोल्ट में चढ़ा देना है, ठीक है। इस तरह से ये बोर्ड को लगाना है, बिजली वाला बोर्ड को। दोस्तों बोर्ड मेरा तैयार हो गया पेंट उंट करके, ठीक है। ऑलरेडी हम बोल्ट से नापी चुपी कर लिए, ठीक है। आप इसको लगाना है, छेदा उदा कर देंगे, देखिए इसको छेदा करना है, इसको धागे मारे हैं, देखिए ये धागे मारा हुआ, ये सब में बोल्ट का धागी है, बोल्ट का धागी है, ये देखिए बोल्ट का, इसको इस जगह छेदा करेंगे और बोल्ट के साथ फिट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों मेरा जो सिस्टम है मीटर चेंज ओवर सब अंदर में है, इसका अंदर हम क्या किए पैनल को लगा दिए, उसका बाद यहाँ कब्जा लगा दिया, ठीक है। कब्जा से लगा दिया, एक एक की खोलेंगे, एक एक खोलेंगे और एक एक इस जगह में बैठाएंगे, इसको खोला जाएगा पैनल टू, ठीक है। ये पैनल टू खोला जाएगा, इस तरह से एक एक को हम फिट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप भी फिट करेंगे, ठीक है, तो आपको आसान होगा। ये मेंटेनेंस काम है, पुराना काम है। आप पूरा लाइन खोलिएगा तो पूरा बिल्डिंग का लाइन ऑफ हो जाएगा, इसी चलते इस तरह किया जा रहा, ठीक है। इस तरह से बोर्ड आप करेंगे, ठीक है। चलिए आप इस तरह से फिट करना है। देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने बिजली वाला बोर्ड पैनल बोर्ड फिट कर दिए, बोर्ड को लगा दिए, इस तरह से लगाया गया, ये आपको सामने से दिखाते हैं। चलिए एक एक सिस्टम को खोलेंगे और नया नया तरीका से इसको हम पैनल को वायरिंग करेंगे। देखिए ये देखिए खुल जा रहा है, कब्जा लगाया हुआ है ना, ठीक है। फिर लगाएंगे और खोल लगा देंगे, लगाएंगे लगा देंगे खोल देंगे, लगाएंगे खोल देंगे,